लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और मैंने दो कप और दो मेडल। शाबाश बिटियो, शाबाश। तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। हम तुम दोनों को ओलंपिक्स में भेजेंगे। इनके प्रिंसिपल साहब है ना, बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि हमारे स्कूल के इतिहास में पहली बार एक ही घर की दो लड़कियों ने इतने सारे इनाम जीते हैं। देखो माँ जी, मेरी तरला और सरला ने कितने इनाम जीते हैं। जाओ बेटा, मुँह हाथ धो और खाना वाना खाओ। हाँ जाओ, मुँह हाथ धो के खाना खा लो। चंद्र प्रकाश। हाँ माँ जी। बहुत खुश हो, अच्छी बात है। मगर ये ना भूलो कि अगर ये इनाम तुम्हारे बेटों ने जीते होते तो आज तुम्हारा सर शान से ऊंचा हो जाता। वंश का नाम तो बेटों ही से चलता है, मगर एक तुम्हारी पत्नी है कि एक के बाद एक तीन बेटियों को जन्म दिया है। एक तो भगवान को प्यारी हो गई, दो तो है। मैं डरती हूं अगर इस बार भी चौथी बेटी पैदा हुई तो क्या होगा। ठाकुर घराने का असली धन तो लड़का ही होता है।
तो सुनो चंदर बेटा, मैंने तय किया है कि अगर इस बार भी लड़का ना हुआ तो तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। चंद्र प्रकाश, ये मत भूलो, अगर यही इनाम तुम्हारे बेटों ने जीते होते तो तुम्हारा सर शान से ऊंचा हो जाता। और एक तुम्हारी पत्नी है जिसने एक के बाद एक तीन बेटियों को जन्म दिया है। ठाकुर घराने का असली धन लड़का ही होता है, लड़का ही होता है, लड़का ही होता है। तो क्या आप बाकी दूसरी शादी करेंगे? करनी ही पड़ेगी। लेकिन? लेकिन क्या, बड़े बड़े राजाओं ने, नवाबों ने यही किया है। हमारे दादा ने भी बेटे की खातिर दूसरी शादी की थी। और उसके बाद आपकी दादी उनकी बेटियों पर क्या बीती, ये याद नहीं आपको? जरा सोचिए, 15 साल सेवा की है मैंने आपकी, सुख दुख बांटे हैं आपके, अपने सब कुछ आपके चरणों में निछावर किया है, लेकिन एक बेटा नहीं दे सके। वो पेड़ जो फल नहीं देते काट दिए जाते हैं और उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, यही दुनिया का दस्तूर है। हमें बेटा चाहिए शारदा, हमारा खानदान चलाने के लिए हमें बेटा चाहिए। अगर इस बार भी तुमने बेटा नहीं दिया तो हम दूसरी शादी जरूर करेंगे। तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो शारदा, पहले से बहुत कमजोर हो गई हो। ब्लड रिपोर्ट से भी यही पता चलता है, तुम्हारे जिस्म में खून बहुत कम हो गया है। यह 8वां महीना चल रहा है शारदा, और इस वक्त तो तुम्हें अपनी सारी परेशानियों को भुला देना चाहिए। कैसे भुला दूं? तुम तो सब कुछ जानती हो, फिर भी कहती हो भूल जाओ। गॉड पे भरोसा रखो, अगर उसने चाहा तो इस बार लड़का ही होगा, और अगर कहीं लड़की होगी तो मेरी गृहस्थी का क्या होगा, मेरी बेटियों का भविष्य क्या होगा? वो दूसरी शादी कर लेंगे। May I come in, doctor? Oh, आइए आइए सिंह साहब, आइए। How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. बैठिए। Thank you. सिंह साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आमतौर पे ये गलत फहमी है कि होने वाली औलाद लड़का होगा या लड़की, उसकी जिम्मेदार सिर्फ औरत है, जबकि मेडिकल हकीकत यह है कि लड़का होगा या लड़की, यह सिर्फ मर्द के क्रोमोसोम से यानी कि बीज ही फैसला करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्द में लड़की पैदा करने वाले बीज ही ज्यादा होते हैं और लड़का पैदा करने वाले कम, लेकिन मर्द समझता है कि इसकी जिम्मेदार औरत है और उसे ही दोषी ठहराता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका मतलब यह है कि मैं लड़का पैदा नहीं कर सकता? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपना टेस्ट करवा ले तो शायद। डॉक्टर जूली डी सिल्वा, आप हमारी फैमिली फ्रेंड जरूर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपके मुंह में जो आए वो बोल दें और हम उसे बर्दाश्त कर लें। हमारे खानदान में हमेशा लड़के पैदा होते रहे हैं और कोई वजह नहीं है कि मेरे घर में लड़का पैदा नहीं हो सकता। नॉनसेंस। शारदा चलो। थैंक यू डॉक्टर। इवाद बैन कंपनी के फाइल सर। चंद्र बेटा। हाँ माँ जी। बहू को बहुत दर्द उठ रहा था, मैं उसे हॉस्पिटल ले आई हूँ। इतनी जल्दी? जल्दी काहे की बेटा, सब भगवान के हाथ में है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ फौरन आ रहा हूँ मैं। आ, 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 आ,
शारदा कितनी प्यारी बच्ची है। ये देख तेरे लिए लड़का। अरे देख तो सही कितना खूबसूरत है, अभी तेरा बेटा है। नहीं, मैं किसी और का बच्चा नहीं लूंगी। जिद मत कर शारदा, ले ले इसे। अरे लड़की का नाम सुनते ही तेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे, फिर सोच तेरा और तेरी बेटियों का क्या होगा। नहीं चूड़ी, ये मुझसे नहीं होगा, ये धोखा है, पाप है। जिस पाप से किसी की जिंदगी सवर जाए वो पाप पुण्य से अच्छा होता है शारदा। ये लड़का देखकर तेरे पति और तेरी सास तेरे गुण गाने लगेंगे कि उनके खानदान का नाम बढ़ाने वाला कोई आ गया। लेकिन मेरी बच्ची। तेरी बच्ची की जिम्मेदारी मेरी है, इस बच्चे का मेरे सिवा कोई नहीं है शारदा। इसकी माँ तो इसको जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई और बाप एक्सीडेंट में मर चुका है, भगवान की देन समझ कर इसे अपना ले। जूली, सिंह साहब कंग्रेचुलेशंस, बेटा मुबारक हो। रियली थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वाह, मुझे यकीन था कि इस बार बेटा ही होगा, मुझे यकीन था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर, क्या हम अपने बेटे को देख सकते हैं? बस थोड़ी देर में। हेलो डॉक्टर जूली। हेलो जॉन। नैन्सी डार्लिंग, देखो कौन आया है। ओह प्लीज कम। हेलो डॉक्टर जूली, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ये बच्चा किसका है? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। Really? बैठो जॉन। जॉन, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुम्हारी जगह और कोई होता तो बच्चे की खातिर दूसरी शादी जरूर कर लेता। डॉक्टर आई लव माई वाइफ। बच्चे के लिए मैंने नैन्सी को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। Everything is in the hands of our Lord, the benefactor. सब ऐसा नहीं सोचते। Yes, doctor. हमारा husband सचमुच great आदमी है। Now come on, give me the child. No. Such a cute child. Thank you, doctor. तुम हम लोगों के वास्ते बच्चा लाया। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। हम इसको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखेगा। लेकिन एक बात बताई देती हूँ, ये लड़की है। तो क्या हुआ डॉक्टर, हमारा माँ भी औरत था। Don't you worry. Come here. Little darling. Hello. Say hello. आइए आइए, पूजा खत्म होने के बाद आइए डॉक्टर डिसिल्वा। सॉरी कुछ है, जरूरी काम निकल आया था। हाँ कोई इमरजेंसी केस हुआ होगा। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर सेन। हेलो। आपने तो सिर्फ मशवरा ही दिया था, इन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरे यहाँ बेटा हो ही नहीं सकता। आप दोनों गलत साबित हुए। मैं जरा शारदा से मिल लूं। जी हाँ, आप ही का इंतजार कर रही है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आओ जूली बेटी, ये तो बताओ बच्चे को ऊपर का दूध देना पड़ रहा है, बहू को दूध क्यों नहीं उतरता? दूध कैसे उतरेगा माँ जी, हमल के दौरान चिंता करके शारदा का पूरा खून तो सूख चुका है, और फिर अगर इसको ऊपर का दूध देना पड़ा तो क्या हुआ? इसके रगों में खून तो आप ही का है। हाँ, असल बात तो खून की है। चलो बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा मुन्ना बेटा। कैसी हो शारदा?
जूली मेरे साथ आओ। जूली मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ है, बोलना बोलना। शारदा तुम्हारी संतान, तुम्हारा खून, अब तुम्हारा ये बेटा है। ये झूठ है जूली, अगर तुमने मेरी बच्ची के बारे में नहीं बताया तो मैं ये भांडा फोड़ दूंगी। तुम बहुत मजबूर कर रही हो शारदा, तो सुनो, तुम्हारी बच्ची 8वें महीने में पैदा हुई, बहुत कोशिश की मैंने उसे बचाने की, पर 2 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रही बेचारी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। जूली बोलो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये झूठ है। शारदा होश में आओ, अपने आप को संभालो। शारदा तुम्हारी बच्ची मर चुकी है, ये बेटा ही तुम्हारा सब कुछ है, होश में आओ। गाड़ी जल्दी तैयार रखना है, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। अच्छा साहब। साहब 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 उठ गए क्या? हाँ साहब। लो बेटे। हो सकता है किसी दिन सूरज निकलना भूल जाए, लेकिन मेरे आते ही तुम ये दूध का ग्लास नहीं भूल सकती माँ। विशाल। माय टू लवली सिस्टर्स, व्हाट अ सरप्राइज, सिंगापुर से कब आए आप लोग? राखी बांध के सिंगापुर से बॉम्बे आई हो? ये हुई ना बात, माँ बहने हो तो ऐसी हो। शादी के बाद पहली राखी है ना? सही बात। चलो मुंह खोलो छोटा, तुम खिलाओ। अब पैसे निकालो। दे 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 भाई। विशाल ये लो। नहीं नहीं डैडी, ये बहुत है। विशाल ठाकुर चंद्र प्रकाश का बेटा है। थैंक यू विशाल। थैंक यू, मुझसे क्या कह रहे हो, डैडी से कहो थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो, हमारी सारी दौलत के मालिक तुम ही तो हो। नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलो सब। हाँ, चलो चलो आओ। डैडी जब से विशाल ने आपकी कंपनी का कारोबार संभाला है एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली बेचारे को। इरादा क्या है? हम तुम्हें अपने साथ सिंगापुर ले जाना चाहते हैं। सिंगापुर क्या चीज है बेटा, हम इसे स्विट्जरलैंड भेजेंगे हनीमून के लिए। लेकिन डैडी वो खुशनसीब लड़की है कौन? रीटा, रंजीत भाई की बेटी। वो श्रीनगर वाले टिम्बर मर्चेंट, बहुत खूबसूरत है, खानदान भी ऊंचा है, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। क्यों विशाल, लड़की तुमने देखी है? इसीलिए तो कल श्रीनगर जा रहा है, लड़की देखने के साथ साथ उसे अच्छी तरह जान भी लेगा। लेकिन डैडी विशाल को अगर लड़की पसंद नहीं आई तो? कैसी बात कर रही हो दीदी, जब डैडी ने लड़की पसंद की है तो जरूर अच्छी ही होगी। हाँ
Hi. मेरी बेटी रीटा विशाल. How do you do? How do you do? Good. बेटी विशाल को गेस्ट रूम में ले जाओ. Hi. Please. Hey, that's nice. Lovely. इतनी सारी खूबसूरती एक साथ हमने पहली बार देखी है. क्या मतलब? मतलब ये कि बाहर के नजारे तो हसीन थे ही, अंदर की सजावट भी बड़ी दिलकश है. दोनों तरफ है हुस्न बराबर सजा हुआ. What's that? Miss 1985 आप, Miss 1986 भी आप. जी हाँ. Wow. मेरी तरफ से पेशगी मुबारकबाद कबूल कीजिए. किस बात की? इस बात की कि इस साल 1987 की भी ब्यूटी क्वीन आप ही होंगी. आपके मुंह में घी शक्कर. अब आप आराम कर लीजिए, शाम को क्लब चलेंगे. Sure, thank you. अरे इस जोक से याद आया, कल सुबह मैंने आपके लिए हॉर्स राइडिंग का प्रोग्राम रखा है. आपको हॉर्स राइडिंग तो पसंद है ना? पसंद? मेरा बस चलता तो मैं बंबई से यहाँ तक घोड़े की पीठ पे सवार होकर आता. हाँ. एक्सेलेंट. तो फिर कल सुबह 7 बजे तैयार रहिए. ऑन द डॉट. ऑन द डॉट जी. जी आपका सूप आ गया. यहाँ का सूप बहुत अच्छा होता है. चुप बैठ इडियट. ये क्या किया तुमने? I'm sorry, madam. एक तो सूप गिराता है, ऊपर से सारी बोलता है. ब्लडी फूल. यस मैडम, व्हाट्स द मैटर? मिस्टर खन्ना, मैंने आपसे क्लब की मीटिंग्स में कितनी बार कहा है कि इन बूढ़ों को बाहर निकाल फेंकिए. इनसे एक सूप का प्याला तो संभलता नहीं है, और काम क्या करेंगे ये. I'm extremely sorry, madam. काका, तुम जाओ. मैं अभी आपके लिए दूसरा वेटर भेजता हूँ. एक्सक्यूज मी विशाल. सलाम साहब. सलाम. अरे मेन साहब कहाँ है? जी सो रही हैं. सो रही हैं? जी. अरे उन्होंने मुझे 7 बजे ऑन द डॉट तैयार होने को कहा था. आपके सुनने में गलती हुई होगी. क्या मतलब? कि वो 10-11 बजे से पहले कभी नहीं उठती. 10-11? कमाल है, हम लोगों ने राइडिंग का प्रोग्राम बनाया था. तुम जाके उठो. उठो. मैं ना? बाबा ना, मुझे अस्पताल नहीं जाना है. अस्पताल? हाँ, एक बार बड़े साहब के कहने पर मरियम उठाने गई थी, ऐसा गुलदान फेंक कर मारा, बेचारे की 11 टाके आ गए थे सर पर. बदतमीज लड़की है. जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, आप जाइए. जी अच्छा. हेलो अंकल. हेलो. गुड मॉर्निंग बेटे, कैसी हो? ठीक हो. बस मामूली सी मोच है, इस पांव पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा.
ये टैबलेट्स दिन में 3 बार लीजिए, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू डॉक्टर साहब। लाइए डॉक्टर साहब। थैंक यू। विशाल बेटे जी, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने जाना है। कोई बात नहीं सर, आप जाइए ना सर। वो रीता भी मेरे साथ जाएगी, एक आध घंटे में लौट आएगी। नो प्रॉब्लम अंकल, आप जाइए प्लीज। सुनो, कुछ नई मैगजीन्स आई हैं, भिजवा देता हूँ, बोर नहीं होगे। बाय। थैंक यू। मैगजीन सर। सुनिए, आपको कुछ और चाहिए? एनीथिंग एल्स? No. बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ? उल्टी चाल क्यों चल दी? जब सीधी चाल से बात ना बने तो उल्टी चाल चलनी पड़ती है। बहुत क्लेवर है आप। सब आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? जी हाँ। देखिए ना, आपकी चाल देख के मैं अपनी चाल चलता हूँ ना। अब समझी। बहुत समझदार है आप। ओह नो, एक्सक्यूज मी। हाँ जाइए जाइए। हेलो बेटा। यस डैडी। देखो बेटी, टेलीफोन के पास एक इम्पोर्टेंट फाइल फूल आया। हाँ है। तुम उसे फौरन ऑफिस ले आओ, और सुनो, विशाल को भी अपने साथ ले आना, लंच यही करेंगे। ओके डैडी, हम लोग अभी आते हैं। विशाल डैडी को ये फाइल देनी है, तुम्हें भी बुलाया है, लंच हम वहीं करेंगे। लंच? नहीं रीटा, वो बात ये है कि मैंने मम्मी को खत लिखना है। खत क्यों? फोन पे बात कर लीजिए। नहीं, जब तक मैं खुद अपने हाथों से अपना डेली प्रोग्राम मम्मी को लेकर न भेजूं, वो कभी संतुष्ट नहीं होती। तो लौटने के बाद लिख लीजिए। लौटने के बाद तो मैंने आपको चाइनीज लंच खिलाने का प्रोग्राम बनाया है। चाओ चाओ की कसम। तो बस मैं अभी गई और अभी आई। चाओ चाओ। रोमियो जूलियट हो गया। आई एम सॉरी सर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। पहली बार पाँव में मोच आई थी, दूसरी बार सर पे चोट, आगे न जाने कहाँ का जी। खैर कोई बात नहीं, आपकी किताबें। आपका नाम क्या है जी? रूबी। रूबी, आप यहाँ काम करती हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी हूँ। तो आप कश्मीर की रहने वाली हैं? जी नहीं, मैं बॉम्बे की हूँ। बॉम्बे की? यानी कि आप बंबई की रहने वाली? ओह मार्वेलस, फैंटास्टिक, आपको तो जवाब नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये था कि प्रदेश में आके अगर अपना कोई शहर वाला मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है ना। मैं बंबई का रहने वाला हूँ, कश्मीर आया था सैर करने के लिए। वैसे आपका कश्मीर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कश्मीर से ज्यादा आप अच्छी लगी। जी आपको कौन सी किताब चाहिए थी? किताब? हाँ, लव एट फर्स्ट साइट है आपके पास? मिल जाएगी तो जरूर दे दूंगी।
हमको लगता है कि हमारा रूबी हमको याद करता है। जॉन, रात हम भी ड्रीम में देखा रूबी को। अच्छा, कैसा लगता था वो? अंकल, तुम बेटी के प्यार में पागल हो गया है। पूछता है सपने में कैसा लगता है। पीटर, हमारा वाइफ का डेथ के बाद हमने रूबी को माँ का प्यार भी तो दिया है ना? हाँ अंकल, दिया है, पर तुम्हारा ये सिस्टर भी उसको बहुत प्यार करता है। आज के जमाने में ऐसा बाप और ऐसा आंटी सबको किधर मिलता है। पर एक बात समझ में नहीं आया अंकल, बॉम्बे का इतना बड़ा यूनिवर्सिटी छोड़कर तुमने रूबी को इतना दूर क्यों भेज दिया? मजबूरी पीटर, मजबूरी। हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो बहुत जगह किया, पन मिला कश्मीर में, इसके लिए वहां भेजना पड़ा। सब टाइम टाइम का बात अंकल, पहला तुम कैसा शानदार घर में रहता था और आज आज यहां रहता है। पहला वायलिन बजाकर हजारों रुपए कमाता था, पना 150 रुपए के लिए बच्चे लोगों को वायलिन सिखाता है। हाँ पीटर, पहले हमारा भाई को एक मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलता था, पर ये हाथ का बीमारी ने हमारा भाई को एकदम खलास कर दिया। अरे यार, कहाँ ये आफत चली आ रही है? बाथरूम में घुसो, अब यहाँ कैसे घुसेगी देखता हूँ। विशाल, 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 विशाल। ओ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आप अभी तक नहा रहे हैं? अभी तो शुरू किया है। ओ नो, पिकनिक पर जाना है और नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। तुम ये काम करो, तुम चली जाओ, मैं आता हूँ। ये नहीं होगा। अरे भाई देखो, अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं जरा खुलकर नहाता हूँ। हाँ तो मैं दरवाजा खोलकर ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, दरवाजा बंद है। तो मैं दरवाजा खुलने तक इंतजार करूंगी। अरे यार, बड़ी चुप्पू लड़की है। अच्छा अच्छा, ठहरो ठहरो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बड़ी ठंड लग रही है, ठंडे पानी से नहा लिया। ठंडे पानी से क्यों नहा? वो मैं जल्दी में था ना, इसलिए। माय गॉड, ये सर, ये बुक, लव लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। हेरो, हैव यू नो मैनर्स? यूं ही अंदर कैसे चली आई? लॉक क्यों नहीं किया? मैडम, दरवाजा खुला था। तो क्या हुआ, बगैर इजाजत के कमरे में नहीं आते, इतना भी नहीं मालूम? बदतमीज। आई एम सॉरी मैडम। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? गेट आउट। छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, चूतियों की खाक सर पे आती है। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हेलो। बिल्कुल ठंडी ठंडी बियर पियो। नो थैंक यू। तो फिर जिन ला दो या विस्की ऑन द रॉक? नो नो नो, आई डोंट ड्रिंक। ओह रियली? या। एक्सक्यूज मी। हे सुमन, हाउ सिली। हाय रीटा। हाय। क्या बात है, आज तेरा बॉयफ्रेंड बहुत उखड़ा उखड़ा है, ना जिन पी रहा है ना विस्की पी रहा है, और किसी से मिक्स भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या बात है, आज सुबह से ही आउट ऑफ मूड है। अच्छा बता, तेरा मामला कहाँ तक पहुँचा है? चल रहा है, मगर ठंडे ठंडे। तो ला, मैं इसे गर्म की देती हूँ। क्या मतलब? घबरा मत, ये दो गोलियां सॉफ्ट ड्रिंक में डाल देती हूँ, फिर देख कैसे गर्म हो जाता है। तू आगे आगे, वो तेरे पीछे पीछे। लीजिए विशाल जी, अब तो आपको कोई इतराज नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक है। Alright, thank you. ले, पी के गर्म हो जा, तू भी गर्म पी ना। अभी बर जान
चुरा ले, आकर मेरा सब चुरा ले, एक मिनट की बात है दिल भर जाने। समझ ले आज कसम से तेरी तरह है मेरा हाल, अरमां है अब निकलने वाले, हाँ अरमां है अब निकलने वाले, एक मिनट की बात है। अरे आकर मेरा सब कुछ चुरा ले, आकर मेरा सब कुछ चुराने, एक मिनट की बात है दिल भर जाने। It's a wonderful news for me. तुम और विशाल एक दूसरे को पसंद करने लगे हो, सुनकर ठाकुर साहब और शारदा भाभी बहुत खुश हो। आपको यकीन है डैडी? 100% माय डियर, ऐसी मालदार और खूबसूरत बहू ने मिलेगी कहाँ। गुड मॉर्निंग अंकल। हाय मॉर्निंग। मॉर्निंग। कम विशाल, कम। I'm sorry अंकल, मैं लेट हो गया, वो आँख ही नहीं खुली। Come on विशाल, तुम यहाँ तफरी करने के लिए आए हो, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू विशाल। कल जो भी हुआ मैंने डैडी को सब बता दिया। क्या क्या बताया आपने? ओहो विशाल, ये क्या आप लगा रखी है? तुम दोनों दोस्त हो, एक दूसरे के इतने करीब हो, फिर भी ये आप कम ऑन। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से आप बिल्कुल बंद। आप सुनी अभी से तुम्हें मंजूर है? Well, अब सुनो, मैंने डैडी को ये बताया कि कल का दिन हमारी जिंदगी का एक यादगार दिन था। सब? क्यों, ठीक है ना? बस। किसका खत है? अरे वो अपनी लाइब्रेरियन है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 2-3 दिन काम पर नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी वो मिस रूबी मिरांडा है जी। तुम कौन हो? जी मैं विशाल हूँ, विशाल सिंह, वो मुझे जानती हैं। अच्छा आइए अंदर आइए। तुम यहाँ बैठो, हम आप भी उसको भेज देते हैं। रूबी जी, तबीयत कैसी है आपकी? पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। ये फूल। थैंक यू। बैठिए ना। आपका ये हॉस्टल पुराना तो है लेकिन अच्छा है, मस्ट बी ब्रिटिश आर्किटेक्चर। उस दिन यस जी, मैं उस दिन के लिए माफी चाहते हूँ। और रूबी जी ऐसी फजूल बातों पे ध्यान नहीं देते, वो क्या कि वो लड़की बहुत ही बदतमीज और घमंडी है, और फिर मैं भी क्या करता हूँ, मैं उनका मेहमान जो हूँ, यू नो। अरे ये खामखा आपने तकलीफ की, मैं तो बस। अरे ये तकलीफ की क्या बात है, रूबी हमारा डिग्री जैसा है और तुम उसका मेहमान है। कितनी शक्कर? एक बस। एक? एक, एक। अच्छा
लो थैंक यू लो डिग्री आप चाय नहीं देंगे? नहीं मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। चाय अच्छी नहीं लगती तो आपको क्या अच्छा लगता है? दूध अच्छा लगता है। हाँ दूध दूध और दूध तो अंदर मेरा जल रहा है। शुक्र है आपके होठों पर मुस्कुराहट तो आई, बोझ हट गया मेरे दिल पर से। ऑनेस्टली रूबी जी मैं पहली बार कश्मीर आया और आप यकीन नहीं करेंगी मैंने अभी तक यहाँ की कोई सैर ही नहीं की। वुड यू बिलीव इट? सुना आपका वो चश्मे शाही, शालीमार बाग, डल लेक, अपनी जगह ये छोटी छोटी जन्नतें हैं, क्या आप मुझे इन जन्नतों की अपने साथ सैर कराएंगी? जी आई एम सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों, आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मैं उसूलन किसी के साथ नहीं जाती, मगर आप फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छे से अच्छा गाइड मिल जाएगा। तो ऐसे वेल नेवर माइंड, मैं फिर चलता हूं, क्या करें खुद ही देख लूंगा। मिस रूबी मिरांडा, मैं कल सुबह ठीक 9 बजे यहां फिर आऊंगा और आप मुझे अपने साथ कश्मीर की सैर कराने ले जाएंगी। मैं आपके हॉस्टल के सामने सिर्फ 5 मिनट आपका इंतजार करूंगा और अगर 9:05 तक आप नहीं आए तो मैं ये टिक 20 की शीशी का सारा जहर पी जाऊंगा और मेरी कोट की जेब में एक खत होगा जिसमें ये लिखा होगा कि मेरी मौत के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप, समझी? सी यू। भाई चंद्र प्रकाश, पहले ये बताओ तुम लोग कश्मीर कब आ रहे हो? लेट्स सी, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आएंगे। विशाल कैसा है? बिल्कुल ठीक है, अभी अभी दोनों घूम के आ रहे हैं। हाँ 2-4 दिन में इतने घुल मिल गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, जरा विशाल को फोन दीजिए तो। हाँ जस्ट ए मिनट, विशाल अपने डैडी से बात करो। हाय डैड, कैसे आप लोग? मम्मी कैसी है? हाँ बेटा वो पड़ोस में पूजा है, तुम्हारी मम्मी वहां गई हुई है। अच्छा तुम अपनी सुनाओ, रीटा पसंद आई? जी हेलो हेलो, अरे कुछ सुनाई जरा, हेलो हेलो, अरे रीटा पसंद आई? हेलो ऑपरेटर, हेलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लाइन खराब है। कमालो यार, रीटा पसंद आई? हेलो हेलो ऑपरेटर, हेलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो सब कुछ सुनाई देता है मगर यहाँ बहुत गड़बड़ है, लाइन ठीक नहीं है। अच्छा ये बताओ कश्मीर कैसी जगह है? आगे लाइन जी, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, जितनी तारीफ करूं कम है डैड। बेटा पहली बार देखने पर हर जगह अच्छी ही लगती है। ये बात नहीं है डैड, मेरा बस चलता तो मैं हनुमान जी की तरह अपने सर पे उठाकर बंबई ले आता। हाँ अच्छा अच्छा, एंजॉय योर सेल्फ। थैंक यू डैड। जीतो रहो बेटा, गुड नाइट। अच्छा जी और मम्मी को बहुत प्यार दीजिएगा, गुड नाइट डैड। घर पर सब ठीक है ना? ओ या, या। अच्छा भाई तुम दोनों गपशप करो, मैं चला अपनी वॉक पर। गुड नाइट अंकल, गुड नाइट। समो कॉफी? नहीं रिटा, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोचता हूँ मैं भी सो जाऊँ। गुड नाइट। नो प्रॉब्लम, लेकिन कल सुबह देर तक मत सोते रहिए। क्यों, भूल गई क्या? कल सुबह 9 बजे स्विमिंग का प्रोग्राम है। 9 बजे? नहीं नहीं 9 बजे, माय गॉड 9 बजे तो घबराइए मत, मैं आपको जगा दूंगी। नहीं नहीं मुझे मेरी नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, वो आ तो तुम थक गई होंगी, मैं समझता हूँ कल तुम पूरा दिन आराम करो। हाँ। आराम तो हराम है और फिर आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है, क्यों ठीक है ना? ठीक तो बिल्कुल नहीं है, कुछ करना ही पड़ेगा। Come in. दूध सब। हाँ दूध। अरे ये तेरे गाल पे क्या लगा हुआ? क्या लगा? ये देख ये काला वाला लगा है तो एक काम कर, तू बाथरूम में जा मुंह धो ले, तो मेरे साथ गुस्सा हो जाएंगी।
थैंक यू सर। हाँ, साफ हो गया ना, जल्दी जा, जल्दी जा। अब ये दो गोलियां खाने के बाद जो सुबह बमबारी होगी, इनको अपने भगवान याद आ जाएंगे। Excuse me, Rita, I hope you're ready. We all... अरे ये क्या रीटा, तुम तैयार भी नहीं हो? 9 बज गए, स्विमिंग के लिए जाना। This is not fair, I don't like it all. क्यों, क्या हुआ? विशाल, वो मेरी तबीयत। तबीयत? क्या हुआ? क्या हुआ? Oh my God! मैं आपके हॉस्टल के सामने सिर्फ 5 मिनट आपका इंतजार करूंगा, और अगर 9:05 तक आप नहीं आए तो मैं ये टिक 20 की शीशी का सारा जहर पी जाऊंगा, और मेरे कोट की जेब में खत होगा जिसमें यह लिखा होगा कि मेरी मौत के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। कश्मीर की शहर कराओगी? हाँ कराऊंगी, कराऊंगी गॉड। प्रॉमिस करती हो? हाँ करती हूँ, प्रॉमिस। हाँ, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। सर? यस मैडम। जी? जी हाँ, फरमाइए मैडम। सर, आप प्लीज मुझे मैडम मत कहिए। मैडम? फिर आप मुझे प्लीज सर मत कहिए। मेरा नाम विशाल है, VISHA, प्लीज कॉल मी विशाल रूबी। ओके, चलिए। विशाल? दैट्स बेटर। इस जगह का नाम चश्मे शाही है। यहाँ से दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं? बात यह है कि इस चश्मे का पानी बहुत ही हेल्दी है। यहाँ के सभी लोग इसी का पानी पीते हैं, इसलिए बीमारी नहीं पड़ते। और जब बीमार ना हो वहाँ डॉक्टर का क्या काम? चलिए आगे। You're ready? Thank you. Ruby, अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कश्मीर का जो हुस्न मैंने देखा है शायद ही किसी ने देखा हो। यहाँ का हुस्न देखकर एक शायर ने कहा था, अगर फिरदौस भर रूहे जमीनस, हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। यानी अगर जमीन पर कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये गुस्ताखी मैंने भी की है। आपने भी शेर कहा है? शेर नहीं, मैंने भी एक गीत लिखा है, तेरी सूरत देख। लिखना क्या जी अर्ज किया है
बैठा हूँ उसकी कुदरत देख कर। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। देख कर मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख कर। लिखना क्या जी अर्ज किया है प्यार की मूरत देख कर। जोकर निकालो। क्वीन ऑफ हार्ट्स। ओ क्वीन, रीटा शर्त लगा लो, इस साल भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट तुम ही जीतोगी। यू विल डू द हैट ट्रिक। यकीनन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये चमक छल्लो कौन है? नौकरानी है, लाइब्रेरी की सफाई वफाई करती है। कपड़े तो ऐसे पहने जैसे फैशन परेड में हिस्सा लेने वाली हो। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का इरादा होगा? ओह नो, ये लड़की तो सड़क छाप लगती है। थोबड़ा देखा है इसका? तौबा तौबा, अगर इस लड़की ने कॉन्टेस्ट का फॉर्म भी भर दिया तो मैं हिमालय से कूद पड़ूंगी। साइन करो ये फॉर्म। अरे
ये तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म है। सो तो है, साइन करो इसे। मैं? हाँ तुम। सूरत देखी है मेरी? बहुत खूबसूरत हो तुम। विशाल तुम होश में तो हो? रीटा के मुकाबले मैं हिस्सा लूं? दो बार जीत चुकी है वो। ना बाबा ना, मैं साइन नहीं करती। साइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। किसने कहा कि तुम नहीं जीत सकती? मैं कहता हूं कि तुम जीतोगी और जीतोगी। ये लो पेन, साइन करो यहां, कम ऑन। अरे ये जख्म कैसा? भरा भी नहीं। और ये जख्म उस वक्त तक भरेगा भी नहीं जब तक मैं तुम्हारे सर पे ब्यूटी क्वीन का ताज देख न लूं। Go on and sign it. जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के तहत होने वाले इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का तीसरा और आखिरी राउंड खत्म हो चुका है। हर राउंड में लड़कियां कम होते होते सिर्फ 6 लड़कियां बाकी रह गई हैं और ये हैं वो 6 हसीनाएं। इन्हीं में से चुनी जाएगी आज की ब्यूटी क्वीन। इन्हीं में से एक के सर पे रखा जाएगा मिस कश्मीर 1987 का ताज। लीजिए, जजेस का फैसला मेरे सामने आ रहा है, एक कागज जिस पर सिर्फ 3 नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले सुनिए तीसरे नंबर का नाम। तीसरे नंबर पर हैं मिस दिलशाद बख्शी और बहनों भाइयों दूसरे नंबर पर हैं मिस रीटा सिंह। कंग्रेचुलेशन सेकंड प्लेस। आइए मिस रीटा सिंह, प्लीज कम मिस रीटा सिंह। वेरी सॉरी आप हैट्रिक नहीं कर पाई। और बहनों और भाइयों अब जरा जिगर थाम कर इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाइए उस हसीना का जिसने इस साल का खिताब जीता है, यानी मिस कश्मीर 1987। नाम है इनका मिस रूबी मिरांडा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मिरांडा। रूबी जी आगे आइए आगे आइए। ये बताइए कैसा लग रहा है आपको ब्यूटी क्वीन चुने जाने पर? जी बहुत अच्छा। क्या आपको एहसास था कि आप इतनी हसीन हैं कि आप ब्यूटी क्वीन बनती? जी मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। तो फिर कौन है वो जिसने पहली बार आपको यह एहसास दिलाया कि आप मलिका हुस्न बन सकती हैं? बताइए, बोलिए ना, शर्माइए नहीं। Who inspired you? अजी जरा हमें भी तो बताइए कौन है वो, बताइए ना। अरे भाई हमें भी तो बताइए कौन है वो। हाँ बताइए कौन है वो। देखिए लोग कितने बेताब हो रहे हैं, बताइए ना उसका नाम। ओहो आपका इस तरह शर्माना और ना बताना कह रहा है कि वो जरूर आपका बॉयफ्रेंड होगा। Am I right? Call him on the stage. स्टेज पर बुलाइए उन्हें। विशाल जरा साइड देंगे? आइए आइए साहब। गुड इवनिंग अमित साहब। वेरी नाइस टू मीट यू। वेरी नाइस इंडीड। अरे मिस रीता आप कहाँ जा रही हैं? आइए आइए, आप तो जानती हैं कि ये दस्तूर है कि पिछले साल की ब्यूटी क्वीन हमेशा इस साल की ब्यूटी क्वीन को ताज पहनाती हैं। आप यहीं खड़ी रहें और विशाल साहब आपने इतना बड़ा काम किया है, मैं चाहूंगा कि आप ताज लेकर रीता को पेश करें ताकि वो रूबी को पेश करें। ठीक है, कैन वी हैव द क्राउन प्लीज? मिस कश्मीर 1987 आ गया। आइए रीता जी आप भी। कमला रुखसाना कहां मर गए सबके सब? जी मालकिन। जी मैं सब विशाल का सामान उठाकर बाहर फेंक दो। सुना नहीं सबके सब बहरे हो गए हो क्या? जी वो पहले से ही अपना सामान उठाकर चले गए। क्या डैडी आपने मेरे लिए कैसा घटिया लड़का चुना जिसका सैंडर एक नौकरानी है? इस बेइज्जती का तुझे सबक सिखाऊंगा। ये कोई वक्त है आने का? आइसक्रीम खाओ। कहाँ रह गए थे अब तक? अरे तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनवा रहा था। आइसक्रीम क्या अमेरिका से लाने गए थे? नहीं नहीं वो क्या है कि इस पर जो चेरी है ना वो कश्मीर की है, इसमें जो बादाम पेस्ते हैं काबुल के, काजू गोवा का है, महाराष्ट्र का शक्कर है, पंजाब का दूध है। अब इन सब चीजों को इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और देखो इसमें तुम्हारा नाम भी लिखवाया है रूबी। हाँ अरे 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 कहाँ जा रही हो? अरे आइसक्रीम पिघल जाएगी मजा नहीं आएगा फिर। अरे गिरा दिया ना, ये क्या बदतमीजी रूबी। बहुत होशियार बनता है, इधर के उधर करता है, मारो साले को। अरे क्या तकलीफ है आप लोगों को भाई? ये बात है तो सालो। कपल को इतने सारे गुंडे मार रहे हैं, चल कर मदद करनी चाहिए इनकी। Thank you.
लेट, अरे लेट इसलिए आया, तुम समझती नहीं हो मैं लेट इसलिए आया क्योंकि एक काम करो हम लंच खा ले चलते हैं चार चार। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे लंच तो जा रहे हैं, अरे तुम जा रहे हो यार की बात है। अरे ए मिस्टर हमारे लंच का क्या होगा? हां अरे हां तुम्हारा लंच तो बर्बाद हो गया, एक काम करो तुम सब हमारे साथ लंच में चलो। अरे मुझे क्यों मार रहा है? हाय। अरे आओ रूबिया। अच्छा तुम आ गई मैम। अरे वाह आज तुमने रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया, वक्त से पहले तैयार हो गए। लेकिन ये सब क्या है? बंबई टेलीफोन किया तो मैनेजर ने बताया कि मम्मी डैडी दोनों सिंगापुर गए हुए हैं, मेरी बहन के फादर इन लॉ को दिल का दौरा पड़ा इसलिए जाना पड़ा। 1:30 बजे की फ्लाइट से मैं बंबई जा रहा हूँ इसलिए कि वहां ऑफिस में कोई काम देखने वाला है नहीं रूबी। अरे ये क्या रूबी, कम ऑन चीयर अप। रूबी जाना तो मैं भी नहीं चाहता लेकिन आई हैव टू। ठहरो 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 ठहरो, कितना खूबसूरत मोती है ये, सूरज की किरणें फूट रही हैं इसमें से। इसे मैं अपनी मुट्ठी में बंद करके ले जाऊंगा और जब भी मुझे रूबी की याद आएगी तो मैं विशाल मैं तुझे भूल ही गई थी कि तुम्हें एक दिन वापस बिछाना। अरे पगली गई, साल भर की तो बात है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी फिर तुम भी बंबई में मैं भी बंबई में, फिर हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? ऑफ कोर्स, हुक्म करो। अभी चलो मेरे साथ चरारे शरीफ। चरारे शरीफ क्यों? वहां सलमा ने अपने फारूक के लिए मन्नत मांगी थी। हाँ फिर आपकी सहेली सलमा और फारूक साहब की शादी हो गई थी। अरे वाह हम फौरन चलेंगे। शरीफ अल्लाह 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 जीवे तेरी खुदाई जीवे तेरी समझो मेरे पास दिल टूटे तो टूटे ना टूटे मेरी आस, आस नहीं तो कुछ भी नहीं समझो मेरे पास। कहीं दुनिया ना लूटे है कहीं दुनिया ना लूटे मेरी सारी कमाई तेरी खुदाई अल्लाह।
रबा कोई और काम मौला को ही और काम मौला को ही और काम एक मेरी जबा है एक तेरा नाम याद नहीं अब तो मुझको कोई और काम मेरी अमानत हो अपने आप को संभाल के रखना तुम भी अपना ख्याल रखना चलता हूं गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आओ रूबी बैठो रूबी आई एम सॉरी एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया गया है क्यों सर ट्रस्टीज में से एक साहब का ये फैसला है लेकिन तुम फिक्र ना करो ये लो सर्टिफिकेट के साथ इसमें मेरा एक खत भी है तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है थैंक यू सर और हाँ हॉस्टल तुम्हें आज ही खाली करना पड़ेगा जी सर Jesus, Ruby, my darling, oh my love, I've been missing you. ये आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गए. How are you? ठीक हूँ. आप कैसे हैं? Hey, Mary, look who's come. Hi, Auntie. Hello, Ruby. How are you? कैसे हैं आप? अच्छी हूँ. तुम कैसे हैं, Ruby darling? बिल्कुल ठीक हूँ. एक मिनट. John, आज हमको सुबह से Ruby का बहुत याद आ रहा है. Really? ये देखिए, Daddy. ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ. Oh. अब आपको विंटर में बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी. Thank you. बहुत अच्छे लगते हैं आप. और आंटी ये आपके लिए. Oh, it's beautiful. Thank you, darling. रवि तुम्हारा तो कश्मीर में यूनिवर्सिटी चालू था तुम इधर कैसे आ गया वो डैडी एक साल ही तो रह गया था मैंने सोचा यहीं कंप्लीट कर लूंगी और फिर आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी बहुत अच्छा किया तुम्हारा याद में तुम्हारा डैडी एकदम पागल हो गया था अब देखो कितना खुश है आज हम बहुत खुश है हमारा बेटी जो हमारा सामने है सो गुड प्लीज ऑपरेटर मैं अमेरिका या यूरोप कॉल नहीं मांग रहा हूँ मैं अपने श्रीनगर कॉल मांग रहा हूँ तीन दिन से आप लगा के नहीं दे रहे मेरा कॉल माय टिकट नंबर इज V4Victory 320 खराब तीन दिन से हेलो हेलो सारी दुनिया में फोन मिल जाते बस हमारे मुल्क में नहीं मिलते ये तो हालत है हमारे टेलीफोन हेलो हेलो विशाल मैं रूबी बोल रही हूँ रूबी मैं विशाल हूँ कैसी हो तुम अरे मैं तीन दिन से ट्राई कर रहा हूँ लाइन ही नहीं लगते श्रीनगर विशाल जरा धीरे बोलो
मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? रूबी, I love you, I'm missing you. तुम? मैं बॉम्बे से ही बात कर रही हूँ. तुम बॉम्बे से? अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? मिलोगे तो बताऊंगी. रूबी, ये जो कुछ भी हुआ ना, मैं बहुत खुश हूँ. मैं तो रंजीत सिंह को एक शुक्रिया का टेलीग्राम भेजने वाला हूँ. अगर वो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं करवाते तो हमारी मुलाकात कैसे होती? साल भर के लिए तुम कश्मीर में तड़पती और मैं यहाँ बम्बई में. यही ख्याल जब मुझे ट्रेन में आया ना, तो मैं रोते रोते हंस पड़ी. बुजुर्ग ने सही कहा है, ऊपर वाला जो करता है भले के लिए करता है. ये बार बार घड़ी क्या देखते रहती हो? एक जमाने के बाद तो मुलाकात हुई. भी देर हो जाती है ना तो डैडी बहुत परेशान हो जाते हैं. अच्छा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा. इस बहाने तुम्हारे डैडी से मुलाकात भी हो जाएगी. क्यों? हाँ. फिर क्या हुआ? फिर रूबी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई और जैसे ही उसके सर पे ताज रखा गया, रीटा उसके डैडी हॉल से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह. लेकिन डैडी, विशाल अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं कॉन्टेस्ट कभी नहीं जीत सकती. डोंट यू बिलीव सर, डोंट यू बिलीव, मैंने कुछ नहीं किया. ये सब रूबी का टैलेंट और उसकी मेहनत ही जिसने उसे जिताया. हाँ, हम जानता है, हमारा बेटी का इतना मदद करने के बाद भी तुमको अपना तारीफ नहीं मांगता. You're a real gentleman. आप बात कही अंकल. ब्रदर, एक पीस मेरी तरफ. जस्ट फिनिश विद, थैंक यू. पीटर हमारा पड़ोसी है, बहुत दिन से यहाँ रहता है बगल में. आई सी. मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए. नाइस मीटिंग सर. बहुत खुशी. थैंक यू वेरी मच एवरीथिंग. नमस्कार. अरे अंकल, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? बैठिए. आप बैठिए, मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ. ओके डार्लिंग, श्योर. बाय बाय सर. हाँ रूबी, तुम्हारे डैडी मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके रूबी, कल मिलते हैं. ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये मेरा गरीब खाना है, मुझे मैनेजर से दो मिनट का काम है, फिर चलते हैं. कम, लेट्स गो इनसाइड. ए रूबी, आओ ना. कम ऑन इन. दो मिनट का काम है, फिर निकल पड़ेंगे जहाँ जाना. गुड आफ्टरनून मिस्टर खांडेवाल, आई एम सॉरी, आई एम लिटिल लेट. जी कोई बात. यस सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर, ये कुछ चेक साइन कराने हैं. काय की चेक चाहिए? 6,30,000 इनकम टैक्स का अदा करना है, 11,55,000 कस्टम्स में जमा कराने हैं. कस्टम डिपॉजिट? जी हाँ, वो ठाकुर साहब ने जो कंप्यूटर्स मंगाए थे वो आ गए. अच्छा, ये बताइए, वो कुरला वाली जमीन का क्या हुआ? वो मालिक देने को तैयार है लेकिन उसका 80 लाख मांगते हैं. ठीक है, 80 लाख इस ओके, ज्यादा महंगी नहीं है जी. आप नेगोशिएट कीजिए और फाइनल कीजिए. ओके, थैंक यू. थैंक यू. मैं तो फ्रेश होके आता हूँ. 2 मिनट्स, कुछ भी होगी? नहीं बस अभी. पैर छू लो, ये मेरे मम्मी डैडी हैं. चले कम. ये आ गया आपका नारियल पानी. ए रूबी, क्या ये चुपचाप गुमसुम बैठी हो? तभी तो ठीक है ना तुम्हारी. विशाल, क्या हुआ? विशाल, मैं जानती थी कि तुम अमीर हो, लेकिन इतने ज्यादा आज मुझे महसूस हुआ
अंतर में थोड़ा नहीं, बहुत फर्क है। अब मैं और ये सोचने लगी कि कहीं हम और तुम सोचती हो शायद मैं तुमको छोड़ दूंगा, वादों को तोड़ दूंगा, कसमों को तोड़ दूंगा, लेकिन कसम मैं उल्फत मगर निभाऊंगा, क्योंकि मैं तुमको चाहता हूं, मैं तुमको पूजता हूं, अरमान नहीं है दौलत का, मैं हूँ प्यासा तेरी मोहब्बत का, मैं दिल से कह रहा हूँ।
मैं तुमको चाहती हूँ, मैं तुमको पूछती हूँ, मैं क्या बात है, हमारा बेटी आज बहुत खुश है। विशाल आने वाला है, यूनिवर्सिटी जाना है एडमिशन के लिए। विशाल अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ है, तुम्हें पसंद है? डैडी ऐसा कौन है जो उसे पसंद नहीं करता। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। रूबी रूबी हमको लगता है कि तुम उसको प्यार करता है। बेटी प्यार खुदा का गिफ्ट है, उसका देन है, लेकिन लेकिन हमको थोड़ा डर लगता है। डर क्यों डैडी? विशाल बहुत बड़े बाप का बेटा है और तुम्हारा बाप बहुत छोटा आदमी है। नहीं डैडी, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अब वक्त बदल चुका है, आजकल लोग ऐसी बातें नहीं सोचते। ये तो हम भी समझता है, लेकिन आगे चलकर तुमको ठोकर लगाना तो हम कहीं का नहीं रहेगा। हम अपना बेटी को दुखी नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। ऐसा मत कहिए डैडी, मुझे विशाल पर पूरा भरोसा है। बेटी ये सिर्फ विशाल की बात नहीं है ना, उसका माँ बाप मानेगा? जरूर मानेंगे अंकल। आप मेरे डैडी को नहीं जानते, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है अंकल। और एक और बात बता दूं, मेरे डैडी मुझे बहुत चाहते हैं, एंड व्हाई नॉट, क्योंकि मैं उनका एक ही बेटा हूं, उनसे कुछ भी मांगू उसी वक्त मिल जाता है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रूबी को चाहता हूं तो फौरन आपके पास आएंगे मेरी और रूबी की बात करने अंकल। गॉड ब्लेस यू माय सन, तुमने आज हमारा दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू वेरी मच। कैसी बात कर रहे हैं? गॉड ब्लेस। चले चलो डैडी, बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। हेलो विशाल। हाय हाय आंटी, क्या क्या? हाय शिली आंटी। हेलो, बस कुछ चीजें खरीदने आई थी। अरे आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्यों, ये भी तुम्हारी तरह मेरे ही नर्सिंग होम में पैदा हुई थी। really? वाह, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जी रूबी का एडमिशन हुआ है। हाँ? तो इसी खुशी में ही हमें ट्रीट दे रही है। अच्छा जी हाँ। तो चलो घर। क्यों, मैं दे दूंगी ट्रीट। क्यों, ये इत्तेफाक ही समझिए आंटी कि मेरी और रूबी की मुलाकात हो गई। इत्तेफाक नहीं विशाल, गॉड की मर्जी है। तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू आंटी। ऐसे आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी? इससे अच्छी जोड़ी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारे माँ बाप को रूबी से अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। मेरा बस चले तो तुम दोनों की फौरन शादी करवा दो। रियली? देखिए दुल्हनिया अभी से शर्मा रही है। निशान जी, तुमने अपने मम्मी डैडी को रूबी के बारे में बताया? नहीं नॉट यट, जैसे वो सिंगापुर से लौटेंगे सबसे पहले मैं रूबी के बारे में बात करूंगा। विशाल, मैंने सिंगापुर से रंजीत सिंह जी को कश्मीर में फोन किया था तुम्हारी खैरियत पता करने के लिए। जी। तुम्हारी हरकतों के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। रंजीत और उसकी बेटी के साथ तुमने जो सलूक किया है उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। डैडी आपने सिर्फ उन्हीं की बातें सुनी है? विशाल, हमने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है,
तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा समझते रहे हैं, अपनी जान से भी बढ़कर समझा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त कर ले। खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है, जात पात के बारे में सोचना पड़ता है, रिश्ते नाते हमेशा बिरादरी और अपने बराबर के लोगों से जोड़े जाते हैं। हेलो विशाल। हाय रूबी, हाय। कल क्यों नहीं आए? मम्मी डैडी को छोड़ के कैसे आता, वो इतने दिनों के बाद मिले हैं। मेरे बारे में बात की? मौका नहीं मिला, लेकिन नो वरी, मैं बहुत जल्द बात कर लूंगा। अच्छा सुनो, कल मिसेस जरीवाला का कश्मीर से लेटर आया था, बताया उन्होंने क्या पूछा? क्या पूछा? कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं, वो आना चाहती है। भाई जब होगी हम उन्हें खबर कर देंगे। फिलहाल तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए ऑफिस चला जाऊंगा। ओके ओके, बाय बाय। मैंने सिंगापुर ट्रंक कॉल। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शारदा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ? मैंने अभी अभी विशाल को फोन पर बातें करते सुना है। वो ठाकुर रंजीत सिंह की नौकरानी तो बहुत चालाक निकली, विशाल का पीछा करते हुए कश्मीर से बंबई तक पहुंच गई है, और एक करोड़पति का बेटा हाथ से नहीं निकल जाए, उस पर शादी का जाल फेंक रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? होगा क्या, विशाल की शादी कहीं ना कहीं फौरन करनी होगी। आज तुमने एक मुद्दत के बाद 10 करोड़ की बात कही है, तो तुम भी 20 करोड़ की बात कह दो। बोलो शादी कब तय करते हो? पहले लड़का लड़की एक दूसरे को तो देख लें। हाँ भाई, बात तो ठीक है। देखो, नेक्स्ट सैटरडे मैं एक पार्टी देने वाला हूँ, ऑल इंडिया एजेंट्स आने वाले हैं। तुम भाभी और मंजू को लेकर उस पार्टी पे आ जाओ, विशाल भी होगा, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे और फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर शादी तय कर देंगे। डन डन। कमाल बेटा विशाल। यस डैडी। मिस्टर एंड मिसेस कपूर। हेलो विशाल। नमस्कार। और ये है उनकी बेटी मंजू। हेलो। आप लोग कुछ पी नहीं रहे, क्या पीएंगे आप लोग? स्कॉच विस्की पीकर हम तो जवां हुए हैं, बोतल में खो चुका है नामो निशा हमारा। आप क्या पीएंगे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, इन्हें सिर्फ डांस करने का शौक है। रियली? सिर्फ डांस। वी गॉट सम गुड म्यूजिक। बेटा इधर लो। बोलिए साहब, पानी के साथ या? चीयर्स। आपके डैडी बहुत जिंदा दिल इंसान है। डैडी की तो फिलॉसफी है कि जब तक जिंदगी है खाओ पियो ऐश करो। वेरी गुड। आपकी फिलॉसफी क्या है? जैसा बाप वैसी बेटी। लेकिन आप भी अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं मैं अपनी जिंदगी में प्यार को बहुत अहमियत देता हूँ। प्यार में जीना, प्यार में मरना, बस प्यार ही करते रहना। वंडरफुल, क्या बात है, आपके साथ जिंदगी बड़े मजे में गुजरेगी। क्या मतलब? डैडी ने ठीक ही कहा था, आपकी और मेरी जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। आइए प्लीज। थैंक यू। एक मिनट माँ, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? क्या हुआ? कह रही उसकी मेरी जोड़ी अच्छी रहेगी। उसे तुम्हारी शादी तय है, ये तुम्हारे डैडी का फैसला है। अरे मुझसे पूछे बगैर। विशाल, हमारे खानदान में शादी ब्याह का फैसला सिर्फ बड़े करते हैं, तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी, जहां हम चाहेंगे वहां होगी। शारदा, मिसेस कपूर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विशाल बाबू, नीचे आपका फोन आया। हेलो हेलो। क्या बात है भाई, बहुत गुस्से में बोल रहे हो, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं रूबी, वो नहीं। बड़े अच्छे वक्त पे फोन किया तुमने रूबी, आज बहुत अच्छा मौका है, मैं आज ही तुम्हें अपने मम्मी और डैडी से मिलाना चाहता हूँ, फौरन चले आओ। लेकिन कम से कम आधा घंटा लगेगा, चेंज भी तो करना है। बिल्कुल नहीं, तुम जिस हाल में हो वैसे चली जाओ, अंडरस्टैंड।
मैं इंतजार कर रहा हूं। हेलो मिस्टर विशाल, हाउ आर यू? वेरी वेल, प्लीज। रूबी, इतनी देर लगा दी तुमने, क्या बात है? विशाल मेरी बात सुनो। ये कहाँ गए? विशाल मैं, आओ मेरे साथ। माँ ये है रूबी, रूबी मिरांडा। मैं डैडी को लेके आता हूँ, एक्सक्यूज मी। काफी देर से विशाल को खोज रहा हूँ, कहाँ? शारदा? हाँ जी। कौन है ये? ये रूबी है, विशाल इसे कश्मीर में मिला था। बहुत बहुत मुबारक हो सिंह साहब, आपके मिलों में एक और मिल का इजाफा होने वाला है। मतलब? मतलब मेरा कपूर साहब से है, उनकी बेटी से आपके बेटे की शादी की बात चल रही है ना। चल क्या रही है चोपड़ा साहब, अगले महीने तो शादी भी होने वाली है। कंग्रेचुलेशन। वेटर, तुमने सुना नहीं और फिर भी यहीं खड़ी हो? रिश्ता बराबर वालों से होता है, झोपड़े में रहकर महलों के ख्वाब नहीं देखा करते। मैं तुम्हें सब मेहमानों से मिला दूं, कम यह है मेरी मंगेतर रूबी। रूबी, रूबी माता से रूबी। अभी तो अपने रूठे हैं पर आए भी खफा होंगे, अभी तो अपने रूठे हैं पर आए भी खफा होंगे, किसी में फिल्म मेरे प्यार के वादे वफा होंगे, ये शम्मा बुझ नहीं सकती, ये शम्मा बुझ नहीं सकती, अभी परवाना बाते हैं, ये शम्मा बुझ नहीं सकती, अभी परवाना बाते हैं, मेरे महबूब हमारा चा जिनकी दर दर पे छुरी
खानदानी रिवायत, अपने घर की इज्जत तुम्हारे अरमानों के ऊपर भेंट नहीं चढ़ा सकते। तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। और मेरी मर्जी? मेरी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी मोहब्बत बहुत बड़ी नादानी है। जिस लड़की के तुम इतने दीवाने हो वो सिर्फ तुम्हारी दौलत की दीवानी है। यह सरासर इल्जाम है। इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर तुम ठाकुर चंद्र प्रकाश के इकलौते बेटे ना होते और उसकी करोड़ों की जायदाद के वारिस ना होते तो वो लड़की कश्मीर से बंबई आना तो दरकिनार, तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी ना देखती। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ है आप हैं, मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हकीकत नहीं। तुम्हारी हकीकत है, जरूर है, लेकिन सिर्फ मेरे बेटे होने के नाते, मेरे वारिस होने के नाते। अच्छा हुआ आज आपने मुझे जगा दिया। अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं इन सोने की दीवारों से निकलकर अपनी हैसियत को मनवाना चाहता हूं। मैं यह साबित करना चाहता हूं कि रूबी मुझसे मोहब्बत करती है, विशाल से मोहब्बत करती है, आपकी दौलत से नहीं। विशाल, ये क्या पागलपन है बेटे? तुम हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो? नहीं माँ, तुम्हें नहीं, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को मौका मिल रहा है आज अपनी हैसियत पर रखने का, अपनी मोहब्बत पर रखने का। मैं मानती हूँ कि गलत हुआ, लेकिन विशाल तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं भी यही कह रही हूँ आंटी। विशाल तुम प्लीज घर लौट जाओ। कैसी बात करती हो तुम रूबी? जिस घर में तुम पर झूठे इल्जाम लगाया जा, मैं उस घर में नहीं रह सकता। अरे वो समझते तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती हो। गुस्से में कह दिया होगा ना। वो दुनिया की हर चीज को दौलत के तराजू में तोलते हैं, लेकिन वो हमारी मोहब्बत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नो। अच्छा भूल जाओ इन सब बातों को, मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाती हूँ, तुम यहीं रहोगे। नहीं अन, तुम नहीं जानते तुम्हारे घर छोड़ने के बाद तुम्हारी माँ पे क्या गुजर रही होगी। डॉक्टर जूली, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, ऊंचा है, हमारी बहू किसी छोटे घर से नहीं आएगी। आजकल खानदान को नहीं देखा जाता मिस्टर सिंह, इंसान देखा जाता है। और फिर रूबी पढ़ी लिखी लड़की है, शरीफ है, नेक है, चालाक और लालची भी है। हमें अपने जाती मामलों से निपटना आता है। जूली, इस झगड़े में मेरा बेटा छीना जा रहा है, उसके बगैर मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो मेरे घर में आराम से है। रियली डोंट वरी।
जी तुम मिरांडा हो? जी साहब। मैं विशाल का पिता ठाकुर चंद्र प्रकाश सिंह हूँ। आइए आइए प्लीज कम आइए सिंह साहब। विशाल ठीक बोलता था कि जिस दिन हमारा डैडी को मालूम होगा वो उसी वक्त हमसे मिलने को आएगा। आपका बेटा बहुत अच्छा है साहब, इसीलिए उसकी जिंदगी बचाने आया हूँ। जी अपनी लड़की से कहो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ऐसा क्यों बोलता है साहब? क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम्हारी जात कुछ और है और हमारा धर्म हमारी जात कुछ और है। प्यार का कोई जात कोई धर्म नहीं होता साहब, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन विशाल की शादी जब भी होगी किसी बड़े खानदान में होगी, हम लोग इज्जत वाले हैं। साहब हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन हम भी इज्जत वाला है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल है तो अपनी बेटी को लेकर कहीं और चले जाओ, मैं सारा खर्चा देने के लिए तैयार हूं। अच्छा अब हम समझा, तुम हमको खरीदने आया है। खरीदने नहीं सौदा करने आया हूं। मोहब्बत का सौदा नहीं होता साहब, ये खुदा का देन है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इसे ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो और मतलब की बात पे आओ। बोलो कितना चाहिए तुम्हें? लाख, दो लाख, पांच लाख, बोलो। हम अपना बेटी का दिल किसी कीमत पर नहीं तोड़ेगा। हम तुम्हारी तरह बिजनेसमैन नहीं है। तुम तो मुझसे भी बड़े बिजनेसमैन हो। तुम्हारी नजर लाख, दो लाख, चार लाख पर नहीं, करोड़ों पर है। तुम जैसे छोटे लोग अपनी बेटी को आगे करके मालदार के बेटों को फांसते हैं, दरअसल यही तुम्हारा धंधा है। तुमने हमको गाली दिया है, बहुत बड़ा गाली। इज्जत का वास्ते हम अपना जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। आगे कुछ मत बोलना नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। ये लो अपने पैसे ड्राइवर साहब, आज देर हो गई है। और सुनेगा क्या बोला तुम्हारा बाप? बोला कि हम छोटा लोग अपना बेटी को सामने करके मालदार के छोकरों को भासता है, उसे दंगा करवाता है। क्या हम ऐसा नीच आदमी है? उसने जो बोला उसे हमारे सीने में जख्म हो गया। भूल जाओ अपना प्यार व्यार, आज से तुम्हारा बाहर आना जाना बंद। जाओ अंदर, ऐसे को अंदर। अंकल मैं बहुत, अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझ पर एक मेहरबानी और करो, रूबी का पीछा करना छोड़ दो। प्लीज गो आउट, जाओ यहां से प्लीज।
टूटा है न टूटेगा हमारे प्यार का सपना, न टूटा है न टूटेगा हमारे प्यार का सपना, परों पे लेके उड़ जाएंगे एक दिन आशिया अपना, बला से बाग उजड़ा है, बला से बाग उजड़ा है अभी वीराना बाते है, बला से बाग उजड़ा है अभी वीराना बाते है, मेरे महबूब तुम्हारा चाहने वाला अभी दीवाना बाते है। ग्लेंडा, आई एम वरीड, रूबी का हालत ज्यादा खराब है। तो डॉक्टर, दवा बदली करो, इंजेक्शन बदली करो, कुछ भी करो, पर मेरा रूबी को। दो बार दवा बदली किया मगर उसका कोई फायदा नहीं। मिरांडा, ऐसा लगता है रूबी के दिल पे कोई गहरा सदमा पहुंचा है, उसका कारण मालूम करो, उसे दूर करो, आगे भगवान पे भरोसा रखो। हमारा बेटी के सिवा दुनिया में और कोई नहीं है, उसका जिंदगी का सवाल, उसे बचा लो सिंह साहब, उन दोनों को शादी का इजाजत दे दो। पागल हो गए हो क्या? नाली के कीड़े होकर आसमान के तारे तोड़ना चाहते हो? ऐसा नहीं बोलो साहब, भगवान नाराज होगा। हमें धर्म सिखाने आए हो? नहीं साहब, मैं तो दया की भीख मांगने आया हूं। जरा सोचो, अगर मेरी जगह तुम होता और रूबी तुम्हारा बेटी होता तो तुम क्या करता? गला घोट के मार देता उस कमबख्त को। जरा ठहरो साहब। क्या कहा? तुम हमारा रूबी का गला दबाकर मार डालता? इससे पहले हम तुमको मार डालेंगे कमीने, तुम हमारे को मारेगा। भागें उस कुत्ते को। हमको अपना जान का फिक्र नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारा रूबी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अब फांसी पर चढ़ जाएगा रूबी की जान से, लेकिन हम तुमको छोड़ेगा। निकाल दो इसे बाहर। कौन था ये? उसी मनहूस लड़की का बाप था। मुझे माफ कर देना बेटा। सब ठीक है ना अंकल? रूबी कैसी है? तुम रूबी को बहुत प्यार करता है। यस अंकल। लिसन सन, जन्म में चाहिए दुनिया, उसका रसम, उसका रिवाज। आज मोहब्बत की जीत होगी, तुम्हारा रूबी से शादी होगा, हम कराएगा हम। कम रूबी, रूबी बेटा देखो कौन आया है। रोते नहीं रूबी, मत रो रूबी। अरे हमारी शादी होने वाली है। हाँ रूबी, तुम्हारी डैडी ने कहा हमारी शादी होगी। सच?
शारदा, शारदा क्या बात है? खैरियत तो है? गजब हो गया शारदा। क्या हुआ? पता लगा है कि विशाल उस लड़की से सिविल मैरिज करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो ठाकुर बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मैं विशाल को समझाऊंगी। आप क्या समझाओगी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो लड़की हमारी जिंदगी में कांटा बन गई है। सलाम साहब। सलाम, क्या हुआ जानी? लड़की का घर तो अपन ने देख लिया है, मौका मिलते ही उड़ा देंगे। एक बात का ख्याल रहे, एक्सीडेंट लगना चाहिए। बिल्कुल एक्सीडेंट लगेगा साहब, रास्ते के लोग गवाही देंगे, मेरा मतलब हमारे अपने आदमी। ये लो, बाकी काम होने के बाद। थैंक यू। और सुनो, एक्सीडेंट के वक्त लड़की अकेली होनी चाहिए। ठीक है। तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है विशाल, तुम जानते हो तुम्हारे डैडी कभी नहीं मानेंगे। जब शादी हो जाएगी तो वो भी मान जाएंगे, हमेशा ऐसा ही तो होता है, राइट मम्मी? अब आप जल्दी से मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच आंटी, अब मैं जा रहा हूँ, रूबी मेरा इंतजार कर रही होगी। बाय जूली। हाँ मम्मी। शारदा ने जिस बच्ची को जन्म दिया था वो कैसी है, किधर है? मम्मी तुम्हें सुनकर हैरत होगी, विशाल जिस लड़की से शादी कर रहा है वो कोई और नहीं, शारदा की ही बेटी है। हाउ नाइस, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन दुख की बात तो ये है मम्मी कि सिंह साहब उसको अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो जात पात और ऊंच नीच को बहुत मानते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुमने शारदा को बताया उसका बेटी के बारे में? उसे कैसे बताती मम्मी, उसको तो मैंने कह दिया था कि उसकी बेटी पैदा होते ही चल बसे। शारदा, माय गॉड। जेनी, जेनी मुझे हेल्प करो आहिस्ता। ये शादी करना आसान होगा लेकिन ये शादी की शॉपिंग, तौबा तौबा। ओ सॉरी आंटी, आपको इंतजार करना पड़ा। विशाल रिपोर्ट ले ली? हाँ विशाल, मैं आंटी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, घर लॉक नहीं कर सकती क्योंकि डैडी के पास चाबी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ प्लीज डैडी का इंतजार कर लो ना। बिल्कुल करूँगा, आप जाइए। कह रही हूँ चलिए आंटी, चलो बाय बाय। संभालिए आंटी, यहाँ पर तो कोई ऑटो दिखाई नहीं देता। आंटी आप यहीं ठहरिए, मैं ऑटो लेके आती हूँ। अच्छा, इसी लौंडिया को उड़ाना है। लौंडिया को दाएं से उड़ा दूं या बाएं से? अभी नहीं उस्ताद, अभी नहीं। कर रहा छोकरी को तो देखो। तुम दोनों ने जिंदगी में पहली बार अकल की बात की है। उठा लो इसे। अरे आंटी आपकी मेडिकल रिपोर्ट ही भूल गई रूबी। बाबा रूबी को गुंडे ले जा रहे हैं। अरे Come on!
छोड़ दो। पकड़ के रखो इस साले को, मैं लौंडियों को खत्म करके आता हूं। नहीं, नहीं। मैं ठीक हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी रूबी को बचा लीजिए। बहुत गहरा है डॉक्टर फर्मा। यस सर। हरी आप टेक टू ऑपरेशन थिएटर। ओके सर। संभाल के संभाल। हेलो चाचा, चाचा मैं विशाल बोल रहा हूँ, रूबी जख्मी हो गई है, वो पूरी बड़ी हॉस्पिटल में है। हाँ मेरा अंकल। हेलो, क्या आप मिस्टर सीपी सिंह बोल रहे हैं? यस। विशाल सिंह आपके बेटे हैं? हाँ विशाल सिंह मेरा ही बेटा है। वो सीरियस है, बोरीवली हॉस्पिटल में है, आप फौरन चले आइए। ओके मैं अभी आ रहा हूँ। देखो मेन साहब आए तो उनसे कहना कि विशाल बाबा बोरीवली हॉस्पिटल में है, फौरन वहाँ चलिए। जी सर। Thank you.
विशाल, विशाल बेटे, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है। अच्छा हुआ आप आ गए, इसे खून की सख्त जरूरत है। इत्तेफाक से आज हमारे पास ब्लड का स्टॉक नहीं है, आप अपना खून टेस्ट करवा लीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, आपका खून आपके बेटे के खून से मैच नहीं करता। आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और आपके बेटे का ए पॉजिटिव। जी हाँ, लेकिन डॉक्टर जख्म बहुत गहरा था, ऑपरेशन हो चुका है, लड़की को फौरन खून की जरूरत है। ग्रुप क्या है? बी नेगेटिव सर। आपका ब्लड ग्रुप यही है, आप अपना खून देकर इसे। नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं कर सकता। थोड़ा सा खून देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लड़की की जान तो बचेगी। डॉक्टर साहब आप मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए। जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे की यह हालत हुई है, मैं हर किसी से अपना खून नहीं दूंगा। डॉक्टर, कि अमीर लोग अपना खून को पिघला हुआ सोना समझता है, हमारा बेटी का वास्ता हमारा खून लो डॉक्टर, हमारा खून लो। काम हो इतनी ऑपरेटर, प्लीज गिव मी 535104। माय गॉड, तुम्हारा खून भी तुम्हारी बेटी को सूट नहीं करता, लेकिन मिस्टर सिंह के बेटे को करता है। तो डॉक्टर समझाओ उसको, उसको समझाओ, हम उसके बेटे की जान बचा लेगा, वो हमारी बेटी की जान बचा ले, बोलो उसको डॉक्टर। काम इतनी डॉक्टर, मेरी वाइफ आ गई है, इनका खून टेस्ट कर लीजिए। आइए। व्हाट नॉनसेंस, मां बाप का खून अपनी ही औलाद से ना मिले, ये कैसे हो सकता है? मैं खुद हैरान हूं मिस्टर सिंह, ऐसे नहीं होना चाहिए। औलाद के खून से मां या बाप का खून मिलता है, लेकिन आप दोनों का खून नेगेटिव है और आपके बेटे का खून पॉजिटिव है। आप कहना क्या चाहते हैं? आई एम 100% श्योर विशाल आपका बेटा नहीं हो सकता। डॉक्टर आप होश में तो हैं? मिस्टर सिंह ये बहस करने का वक्त नहीं है, बच्चों की जान खतरे में है, उन्हें फौरन खून चाहिए। मिस्टर मिरांडा का खून आपके बेटे को सूट करता है, वो खून देने के लिए तैयार है। मान लो सिंह साहब, डॉक्टर का बात मान लो, हम तुम्हारा विशाल का जान बचा लेगा, तुम हमारा रूबी का जान बचा लो। रूबी? हाँ मिस्टर सिंह, रूबी हमारा बेटी है, मिस्टर सिंह को समझाइए, प्लीज इन्हें समझाइए आप। सर दोनों पेशेंट को खून फौरन चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर तेजी से डाउन हो रहा है। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मान जाइए, प्लीज मान जाइए, भगवान के लिए आप अपना खून दे दीजिए, आपको मेरी ममता का वास्ता है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जिंदगी भर पछताएंगे, विशाल को हम खो देंगे, हम विशाल को खो देंगे, मान जाइए, भगवान के लिए मान जाइए। आप दोनों का खून नेगेटिव है, आपके बेटे का खून पॉजिटिव है, विशाल आपका बेटा नहीं हो सकता, विशाल आपका बेटा नहीं हो सकता। वो पेड़ जो फल नहीं देते काट दिए जाते हैं और उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, यही दुनिया का दस्तूर है। हमें बेटा चाहिए शारदा, हमारा खानदान चलाने के लिए हमें बेटा चाहिए, और अगर इस बार भी तुमने बेटा नहीं दिया तो हम दूसरी शादी जरूर करेंगे। शारदा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विशाल किसका बेटा है? मुझे जवाब चाहिए शारदा, विशाल किसका बेटा है? विशाल हमारा बेटा है, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। यह झूठ है, विशाल ना मेरा बेटा है ना तुम्हारा। यह आपने कैसे मान लिया? डॉक्टर झूठ नहीं बोल सकते, मेडिकल साइंस गलत नहीं हो सकती। काश ये सच्चाई आपने बरसों पहले मान ली होती तो आज ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहस मत करो, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। तो फिर सुन लीजिए, डॉक्टर ने जो कुछ कहा
वो सच है। विशाल एक बिन माँ बाप का बच्चा था जिसे मैंने अपनाया। इतना बड़ा विश्वासघात? ये विश्वासघात नहीं, आपकी दूसरी शादी की धमकियों का नतीजा है। मैंने अपनी गृहस्थी और दोनों बेटियों को मुसीबतों से बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपनी मासूम बच्ची को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से जुदा करके मैंने विशाल को पाया है, इसलिए कि आपको सिर्फ बेटे की आरजू थी। बेटियां तो आपकी नजर में कांटों की तरह चुभती थी। हैरत है, औरत की कोख से जन्म लेने वाला मर्द बेटियों से नफरत करता है? मेरी तरह न जाने कितनी औरतें होंगी जो आज भी बेटी की खातिर शोहरों की धमकियां सुन रही होंगी, ससुराल वालों के जुल्म और सितम झेल रही होंगी, पल पल जीती होंगी, पल पल मरती होंगी। जबकि मेडिकल साइंस ने यह साबित कर दिया है कि बेटा या बेटी को जन्म देने की सलाहियत कुदरत ने मर्द को दी है, सिर्फ मर्द को। फिर भी वो औरत को कसूरवार ठहराता है, क्यों? आखिर क्यों? शाबाश शारदा, आज तुम्हारा यह आत्मविश्वास देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। सिंह साहब, मर्दों की इस दुनिया में औरतों पर तो सदा ही जुल्म हुआ है। सदियों पहले जाहिलों के दौर में लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, और आज साइंस की तरक्की का फायदा उठाकर उन्हें पैदा होने से पहले ही माँ की कोख में खत्म कर दिया जाता है। हद तो यह है कि औरतें आज भी जिंदा जलाई जाती हैं। हालांकि आज की हर लड़की, हर औरत एक ऐसा चिराग है जिसने जिंदगी के अंधेरों को उजालों में बदल दिया है। आज मैं अपने अंधेरों को उजालों में बदलता हुआ देख रहा हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मर्दों के दिमाग को इतना रोशन करे कि वो औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती की बजाय इज्जत और मोहब्बत से पेश आए। मैं अपनी ज्यादतियों पर शर्मिंदा हूं शारदा। जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं शारदा, एक बाप होने के नाते मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि जिस लड़की को तुमने जन्म दिया था वो कहां है? बता दो ना शारदा, कहां है मेरी बेटी? बताओ। हमारी बेटी यही है। सिंह साहब, आपने अपना खून देकर जिसकी जान बचाई है वो आप ही की बेटी है। रूबी? हाँ, रूबी ही हमारी बेटी है। मैं भी कितना बदनसीब बाप हूं, अनजाने में कितना बड़ा पाप कर बैठा था। हे भगवान, तूने मुझे बचा लिया। दोनों खतरे से बाहर हैं, थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ठहरो, आज जो कुछ भी मुझे मालूम हुआ है वो और किसी को नहीं बताया जाएगा, न मिरांडा को, न रूबी को, और विशाल को भी नहीं। आज तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि विशाल हमारा बेटा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, और रूबी आज तक जो थी वही रहेगी। हम कौन होते हैं मिरांडा से उसकी खुशियां छीनने वाले? विशाल, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सन। रूबी ठीक है, बिल्कुल ठीक। तुम्हारा मम्मी भी आया है, डैडी भी आया है, वो लोग सब। लो, आ गया तुम्हारा मम्मी डैडी। कैसे हो विशाल बेटा? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो तुम्हारी मम्मी शारदा। विशाल बेटे, थैंक यू।
जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मुझे माफ करना। ऐसा मत कहिए। शादा, कैसी लगी तुम्हें विशाल की पसंद? लाखों में एक है। मिराडा साहब, अपनी आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं, आपको मंजूर है? आपने हमारा दिल का बात बोल दिया सिंह साहब, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले। ये क्या कर रहे हैं आप? रंग बिरंगी हो गई दुनिया तेरी रंगत देखकर, मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देखकर, लिखना क्या जी अर्ज किया है प्यार की मूरत देख।